फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, आज जो मैं ब्लॉग आपके लिए ला रहा हूँ काफ़ी धमाकेदार ब्लॉग है। और बता दूं मैं कहाँ आया हूँ, तो मैं आया हूँ कोलकाता मैच देखने के लिए IPL, जो कि आज बता दूं आपको 14 तारीख है, 14 अप्रैल। तो आज जो मैच देखने आया हूँ मैं फ्रेंड, वो आया हूँ देखने कोलकाता और लखनऊ के बीच में। आज ईडन गार्डन में मैच है, तो वो मैच मैं देखने आया हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कौन टीम जीतती है, किसका अच्छा, कौन सा टीम अच्छा बैटिंग करती है, रन कितना करती है, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा इस ब्लॉग के माध्यम से। देख लो भैया, जैसे कि मैं बताया विक्की भी हमारे साथ है, तो हम लोग जा रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर और लखनऊ का मैच है, तो आज जा रहे हैं मैच देखने ईडन गार्डन में। आपसे मिलता हूँ स्टेडियम में। तो फ्रेंड अभी आपको मैं दिखा दूँ, हावड़ा स्टेशन से जस्ट आप राइट साइड आओगे तो यहाँ से स्टीमर खुलती है, स्टीमर पकड़ के आप ईडन गार्डन जा सकते हो, जिसका फेयर है मात्र 6 रुपये। ये आप देख लो हावड़ा की ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, देख लो ये ब्रिज में आपको बीच में कहीं पिलर नज़र नहीं आएगी। और ये देखिए एक स्टीमर खुल भी चुकी है ईडन गार्डन के लिए, और ये दूसरी आके खड़ी हो गई, और अभी हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे और जाएंगे ईडन गार्डन मैच देखने, जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छी ब्लॉग आने वाली है। तो ये देखो यही स्टीमर से जाएंगे अभी फ्रेंड। SBI का मेन ब्रांच हो गया। तो फ्रेंड देख लो काफ़ी धमाकेदार ब्लॉग मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ ईडन गार्डन से। तो आज IPL मैच देखूंगा कोलकाता और लखनऊ के बीच में, कौन सा टीम जीतता है वो आपको पूरी दिखाऊंगा। और फिर आपको बता दूं हमारे जस्ट पीछे आप देख लो कोलकाता का ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड ईडन गार्डन। तो आज ईडन गार्डन में आपका भाई आया है मैच देखने के लिए, और आपको भी दिखाएगा कौन सा टीम जीतता है। और मैं सपोर्ट करने आया हूँ कोलकाता को, और आपको हमारे ब्लॉग में दिखाऊँगा शाहरुख खान जी भी आए हुए हैं, उनका भी मैं छोटा सा वीडियो क्लिप किया हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आप अंत तक इस ब्लॉग में बने रहें। और फिर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपसे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें फिर, क्योंकि देखो मैं आया हूँ उड़ीसा से, यहाँ से ब्लॉग बनाने के, तो आप सपोर्ट मुझे करें, आपका एक सपोर्ट 100 रत्न के बराबर है।
for 4 runs. आप देख लो, मैं और विक्की हूँ कोलकाता के ईडियन गार्डन ग्राउंड में, और आज जो मैच देखने हम लोग आए हैं वो मैच बता दूंगा आपको, कोलकाता और लखनऊ के बीच में मैच हो रही है। तो ये आप देख लो, अभी हम लोग हैं स्टेडियम में और आपको ये ब्लॉग देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर।
भी है, সেই যে গেটটা আমরা বসে দিয়েছিলাম ওইটা দেখতে পাইছিস কলা যে ধরেছে আমি ওই তো ওপরে 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 কান্দে হাতে নিয়ে আছে হ্যাঁ এই দেখ না কান্দে হাতে নিয়ে ও হ্যাঁ तो फ्रेंड अभी देखिए मैच खत्म हो गई और ये दिखाता हूँ ईडन गार्डन। आप देखिए कुछ इस तरह का ईडन गार्डन का स्टेडियम है, इधर देखिए रसल। और देखिए मैच खत्म होने के बाद कितनी रस आपको नजर आएगी, काफी पब्लिक मैच खत्म होने के बाद यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि कोई गाड़ी से जाएंगे अपना किला। काफी बढ़िया स्टेडियम है ये, आप देख लो ईडन गार्डन कोलकाता में जो है। ये फ्रेंड आप देखिए, ये फ्रेंड आप देखिए कोलकाता का ईडन गार्डन, ये देख लीजिए क्रिकेट स्टेडियम जो कि काफी खूबसूरत है। इस और अगर दिखाऊं आपको देख लो, साथ में मारे गया है। तो फ्रेंड आपसे मैं मैच का निर्णय बता दूं, कोलकाता नाइट राइडर जीत चुका 8 विकेट से मैच और काफ़ी मज़ा आई आज का मैच देखने में। तो मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर करूंगा, आप भी देखोगे ब्लॉग के माध्यम से वर्चुअली आप देख सकते हो। तो काफ़ी मज़ा आया और मैं तो कोलकाता को चीयर कर रहा था, आप देख लो मेरी वेशभूषा आज पूरी कोलकाता नाइट राइडर की है। और मैं शाहरुख खान की भी वीडियो क्लिप बनाया हूँ, वो भी डाल दूँगा, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा मैच ख़त्म होने के बाद। शाहरुख खान जी आए थे ग्राउंड में तो उनका भी वीडियो बनाया हूँ तो वो आपको दिखाऊंगा। और बता दो फ्रेंड ये कोलकाता नाइट राइडर का करबो लड़बो जितबो रे, ये जो स्लोगन है आज पूरा फिट बैठा है। तो करबो लड़बो जितबो करके हम लोग जीत गए, करबो लड़बो जितबो रे। तो चलिए मैच लड़बो जितबो रे। और अगर आपको ये ईडन गार्डन का ब्लॉग पसंद आता है तो आप लाइक करें हमारे चैनल पे, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट
जर्नी के साथ। जय हिंद जय भारत।